नमस्कार दोस्तों, हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट चल रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे नलिटी ऑफ मैरिजेस। बोला अगर मोटा मोटा बोलूँ तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज डिस्कस करेंगे हम, जो कि बहुत सिमिलर है उससे, हिंदू मैरिज एक्ट से। नहीं देखा तो भैया प्लीज़ देख लेना। अब देखते हैं वॉइड। एक मिनट में मेरा लेज़र लाइट निकाल लूँ। सेक्शन 24 बात करता है वॉइड मैरिजेस की, कि कोई भी मैरिज एनी मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए बी सी एंड डी ऑफ सेक्शन 4 हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। नल एंड वॉइड, वॉइड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं कि नल एंड वॉइड ही हो जाएगी अगर ए बी सी और डी फुलफिल नहीं हुई तो। सबसे पहला, और द रिस्पोंडेंट वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। मैरिज के टाइम पर और जब आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो आप कोर्ट में, उस टाइम पर जो रिस्पोंडेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तब नथिंग शैल अप्लाई टू एनी मैरिज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 18 बट द रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर टू बी ऑफ नो इफेक्ट इफ द रजिस्ट्रेशन वॉज इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू ई ऑफ सेक्शन 15। अब कुछ भी उस मैरिज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो सेक्शन 18 में, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, सेक्शन 18 में जो शादी हुई है उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उस भी शादी का, उस भी रजिस्ट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो ए टू ई में जो कंडीशंस दी हुई हैं सेक्शन 15 में, उसके कॉन्ट्रवीन में जाता है। तो वो ये थोड़ी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ये फिर ये, समझ रहे हो ना आप। कुल मिला के देख लो। अब सेक्शन 25 बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस की। एनी मैरिज सॉलेमनाइज शैल बी वॉइडेबल इफ द मैरिज हैज़ नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड बिकॉज ऑफ विलफुल रिफ्यूजल ऑफ द रिस्पोंडेंट। द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेगनेंट बाय सम पर्सन अदर दैन द पिटिशनर। द कंसेंट ऑफ इधर पार्टी टू द मैरिज वॉज ऑब्टेंड बाय कोएर्शन और फ्रॉड एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भैया तो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी। लेकिन अब क्लॉज टू क्या भैया? द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेगनेंट बाय सम अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन अब क्लॉज टू, द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट अ डिक्री अनलेस इट सेटिस्फाइड दैट पिटिशनर वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स अलेज्ड। प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। मैरिटल इंटरकोर्स हैज नॉट टेकन प्लेस इन द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। इसके ऊपर डिक्री ग्रांट करवाने के लिए ये चीज़ होना जरूरी है। और इसके उसमें थर्ड वाले के उसमें डिग्री ग्रांट करवाने के लिए ये दो चीज़ें होना जरूरी है। प्रोसीडिंग्स हैव नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड विद इन वन ईयर आफ्टर द कोर्जन हैड सीज्ड। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। द पिटिशनर हैज़ विथ हिज और हर फ्री कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी। अपनी कंसेंट से ही रही है शादी होने के बाद भी। सेक्शन 26 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस से। अगर चिल्ड्रन होते तो उनकी लेजिटिमेसी क्या होगी? तो सेक्शन 24 में एनी चाइल्ड हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड शैल बी लेजिटिमेट। अगर वो शादी लेजिटिमेट होती तो वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट होता, माना जाएगा। एनी सेक्शन 24 में भी एनी चाइल्ड ऑफ मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड, तो उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। अंडर सेक्शन 25 एनी चाइल्ड कंसीव्ड बिफोर द डिग्री हु इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज शैल बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट विदस्टैंडिंग द डिग्री ऑफ नलिटी, ठीक है, क्लियर है। अब नथिंग शैल बी कंस्टिट्यूट एज कन्फरिंग अपॉन। अब ये क्या बात कर रहा है कि मान के चलो कि अगर ये एक्ट नहीं आया होता, है ना, अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो जो ये जो बच्चे जिसको आप लेजिटिमेट बोल रहे हो वो लेजिटिमेट नहीं होते। ये एक्ट की वजह से ये बच्चे लेजिटिमेट बने हैं, उस वजह से ये लेजिटिमेट बने, वरना अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो ये लेजिटिमेट नहीं माने जाते नॉर्मल आम तौर पे। तो फिर वो जो बच्चे हैं ना, उनका सिर्फ अपनी पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा, बाकी किसी भी आदमी के प्रॉपर्टी के ऊपर उनका राइट नहीं होगा। ये बात कर रहा है ये थर्ड वाला। और ये हो गया सेक्शन 26। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक थैंक यू वेरी मच।